हम उन वो सख्त लड़कों में से आते हैं जिनको कि परफ्यूम की खुशबू से ज्यादा अपने पसीने की खुशबू पे ज्यादा भरोसा होता है। अरे अभी तक सो रहे हो आप लोग? अरे उठो, उठ गए, उठ गए, नींद भी उड़ गई। इतनी देर देख तक सो गए तो ये मैं व्लॉग डाल रहा हूँ, देखे कौन? अब तो ठीक हो सब, उठ गए, चलो फिर डन। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल पीसीबी व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। और देखिए मैं तैयार हूँ, आप लोगों को मैंने आज उठाया है क्योंकि अभी हम चल रहे हैं बाहर। अगर आपने मेरा पहला एक ग्रूमिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो जरूर जाके देखिएगा। और जब से मैंने वो ग्रूमिंग वाला वीडियो बनाया है तो मैंने सोचा क्यों ना ग्रूमिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाए। और ग्रूमिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए वी आर गोइंग टू सैलून, और आज हम सैलून में जाएंगे और कुछ ग्रूमिंग ट्राई करेंगे। ओके, तो अब हम निकल चुके हैं सैलून के लिए। और कुछ सालों पहले तक ऐसा होता था कि भाई लड़के इस तरह से ग्रूमिंग नहीं करते थे, या करते थे उनको लड़की माना जाता था। लेकिन आपको वेल ग्रूम्ड रहना चाहिए, वेल ड्रेस्ड रहिए, अच्छे दिखिए, और ये सिर्फ हक लड़कियों का नहीं लड़कों का भी है। इसलिए इसी वजह से यूनिसेक्स सैलून्स खुले हैं जगह जगह पे, क्योंकि वहाँ पे लड़के भी अब आजकल जाते हैं, और ग्रूम रहना चाहिए अच्छी बात है। सालों पहले यही होता था कि भाई जो लड़के इस तरह के कुछ ग्रूमिंग कराते थे तो उनको लड़कियों की श्रेणी में डाल दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, थिंग्स आर चेंज्ड। अब सब कुछ लड़के लड़कियां एक समान बोलते हैं तो ग्रूमिंग भी उन दोनों की एक जैसी होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि मैं खुद कभी इसमें स्पा में या फिर सैलून में और इंटरेस्टेड नहीं रहा हूँ। आपको पता है जिम वाले बंदे कैसे होते हैं, हम उन वो सख्त लड़कों में से आते हैं जिनको कि परफ्यूम की खुशबू से ज्यादा अपने पसीने की खुशबू पे ज्यादा भरोसा होता है, तो हम उस कैटेगरी वाले बंदे हैं। लेकिन जीवन में कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाहिए, तो आज मैं वही चीज करने जा रहा हूँ। तो अब मैं वहां पे पहुंच के आपसे बात करता हूँ, क्योंकि ड्राइविंग में ध्यान इधर उधर ज्यादा भटकना नहीं चाहिए आपका। तो चलिए वहां चल के बात करते हैं। यही वो जिम्मेदार शख्स हैं जो मेरी हेयर कटिंग या फिर ग्रूमिंग करने वाले हैं। अगर मुझे कुछ काम बिगड़ जाता है तो सब इन्हीं को ब्लेम करेंगे। आप बिगड़ेगा तो नहीं अपना काम? बिल्कुल नहीं, पक्का। हाँ, तो ये घटना इतिहास में करोड़ों साल बाद में पहली बार हो रही है कि जो इस तरीके से आप मेरे को देख रहे हैं, और शायद पता नहीं वापिस कब देखेंगे। तो अब जो भी है, मेरे बाल अभी इनके हाथ में, अगर बिगड़ जाते हैं तो ब्लेम इनको करें। इनके कॉन्टेक्ट डिटेल दे दूंगा मैं व्हाट्सअप करके, इनको परेशान करें। तो देख सकते हैं बाल अब कट चुके हैं। अब इस पे कलर अप्लाई करेंगे जो कि होगा डार्क ब्राउन। पहली बार कलर करवा रहा हूँ अपने बालों को, पहली बार, ठीक है? तो देखते हैं कैसा रहता है। तो भैया अब हम क्या करने वाले हैं? कलर करने वाले हैं। तो बालों में होगा कलर, तो कलर का आप टाइम लैप्स देखिए।
शायद मैं 4 या 5 बार बाल कटा चुका होता जितनी बार मैं इस चेयर से लेकर और उस चेयर तक गया हूँ। देख रहे हो मेरी भयंकर सुंदरता निखर निखर के जो बाहर आ रही है। अभी बताओ ना क्या फील आ रही है, वो पार्लर में नहीं होती वो सारे मतलब आंटीज बैठ जाती हैं ऐसे मुंह पे लगा के हाथ डुबो के, मेरी बहू तो मारे बताओ वहाँ पे मेरी बहू ऐसे गिरती है, पूरी वही वाली फील आ रही है। टीवी सीरियल्स में और नहीं दिखाते हैं, अरे वो बताते हैं ना ये बहुएं मेरा इल्जाम करती है इधर उधर की थारी मारी करो ये करो वो वाला फील आ रहा है बिल्कुल। आप शायद इस चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी देख ले, लेकिन शायद हमको 2 या 3 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे बैठे बैठे, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी देर तक किसी सैलून के अंदर मैं बैठा हूँ। इतनी देर में तो पता नहीं कितनी बार बाल कटवा लूँ मैं। से 3 घंटे लगे हमें यहाँ पे, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छे बाल काटे हैं, काफी अच्छा आप देख सकते हैं मेरे फेस पे ग्लो आ गया है। पहली बार आप सबको बता दूं कि मैं पहली बार ये सब चीजें मैंने करवाई है, और मेरा चेहरा अगर पिछला वाला देखना है तो कोई भी पिछले वाले वीडियो पे क्लिक कर लेना है, क्या दिक्कत है। जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आपने अभी देखा थ्रू आउट हमको यहाँ पे, आपने तो कुछ मिनट्स में देख लिया लेकिन हमको लगे यहाँ पे 2.5 से 3 घंटे, और ये जो सारा के सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो किसने किया है मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ, वो है अर्चना जी। अर्चना जी आइए आप एक बार। तो ये इन्हीं का सैलून है जहाँ पे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और मैंने आपके लिए बात करी इनसे, अगर आप यहाँ पे आते हैं और पीसीबी ब्लॉग्स का नाम लेते हैं तो शायद ये आपको अच्छे से डिस्काउंट और अच्छे ऑफर भी देंगे, आप भी कुछ बता दीजिए। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं लास्ट 18 to 19 ईयर्स का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं काम कर रही हूँ पिछले काफी सालों से, हम लोगों ने जस्ट अपने सैलून को अपग्रेड किया है जो आज के टाइम की डिमांड है, और हम लोग बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ट सर्विस हम अपने क्लाइंट को यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं, और हमारी यही कोशिश है कि जैसे ये सर हमारे यहाँ आए हैं फर्स्ट टाइम, ये भी किसी के सजेशन भी आए हैं, मेरी बहुत पुरानी क्लाइंट उनको यहाँ लेके आई और ये उनके सजेशन से आए फर्स्ट टाइम, आज से पहले इन्होंने कोई सर्विस नहीं ली थी इन सैलून, अब ये उन सारी सर्विसेज से जब ये आके बैठे तो इनको लगा कि नहीं मुझे ये भी नहीं करवाना मुझे वो भी नहीं करवाना, बट आफ्टर दैट टाइम उसके बाद इनको लग रहा है कि आई एम सो हैप्पी, मुझे जो भी कुछ था मुझे नहीं पता था इतना अमेजिंग होगा, और इनका जो भी कुछ हम लोगों ने मेकओवर किया है ये उससे बहुत हैप्पी है। तो आई होप सो कि जब भी मेरे यहाँ कोई भी आप जैसे लोग आएंगे, और मैं वेट करूंगी कि मेरे बिजनेस को अपग्रेड करने के लिए प्रमोशन देने के लिए आप लोग आए अपने रिव्यूज दें और आप लोग मेरी सर्विस से हैप्पी होके जाएं। सकते हैं हम सैलून से निकल चुके हैं, और देखिए मैं आपको कभी भी फालतू की चीजें नहीं बताऊंगा, मैंने खुद ने वहां पे जाके इन सब चीजों को एक्सपीरियंस किया है, और एक नंबर एक्सपीरियंस था उस सैलून का। तो अगर आप सच में वहां पे जाएंगे और वहां से अगर कोई भी ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं आप पीसीबी ब्लॉग्स का नाम लेना, आपको अच्छे डील्स मिलेंगे, अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे और डिस्काउंट भी मिल जाएंगे, तो ये चीज करना मत भूलना। अगर आप जोधपुर में तो वहां पे जरूर विजिट करें और अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, और अच्छे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स वो लोग रखते हैं, और उनका जो एड्रेस या फिर जो नंबर है आपको अगर बुकिंग वगैरह कुछ भी करानी है अपॉइंटमेंट लेना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
और अगर हुआ तो विजिटिंग कार्ड का एक स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, उससे भी आप देख सकते हैं। तो जैसे भी आपको सही लगे आप देख लेना। दिन का हो गया है अंत, इतने घंटे बिता दिए हमने वहाँ पे कि हो गई है शाम। तो अब हम घर पे जा रहे हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि सख्त लड़का आज हो गया है, ग्रूम्ड लड़का। और क्या बोलूं आपको, जैसे कि हर व्लॉग के अंत में बोलता हूं कि डू व्हाट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। पुलिस वाले खड़े आगे देख रहा हूँ। चलो बाय।